पता चला मैं हेल्थ बना बना के 100 साल जी रहा हूँ और तुम लोग हेल्थ ना बना के 50-60 में निकल रहे हो, तो मैं क्या करूँगा फिर 40 सालों में। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी दोस्तों एक बार फिर से हमारे ब्लॉग में। और आज सुबह मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। कितने बज गए? 6:30 बज गए। तो आज से मैंने वैसे 2 टाइम वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। शाम को तो हम जाएंगे जिम में, वो अलग है, इंडोर वर्कआउट है। और एक थोड़ा सा उसके बाद भी सुबह सुबह हम थोड़ा सा हल्का फुल्का वर्कआउट किया करेंगे। लाइक जैसे अभी आपने देखा हो मैंने जंपिंग जैक्स, डिप्स यानी पुशअप्स और अपना क्रंचेस, प्लैंक और एक दो एक्सरसाइज करी थी। बस आज इतना किया है, कल से और हो सकता है थोड़ा सा इनमें अपनी इंटेंसिटी या इनके रैप्स या इनके राउंड्स और बढ़ा दूंगा मैं। पर यह है कि मैंने अब अपना वर्कआउट जो है वो दो दो शिफ्टों में कर दिया है। थोड़ा सा अगर आपको जल्दी फैट लूज करना है तो थोड़ा वर्कआउट भी अच्छा करना ही पड़ेगा। शाम को क्या यार कार्डियो वार्डियो में कुछ नहीं करता, शाम को बस जाता हूँ जब मैं जो भी अपना पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज होती है वो कर लेता हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है एक तरह से कहा जाए, या फिर हाँ ये टाइम नहीं मिल पाता और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि अपना 1 घंटे या 1.5 घंटे में अपना वर्कआउट करके आ जाता हूँ। फिर कार्डियो तो मैं करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। कार्डियो मैं सोचा था सुबह सुबह अपनी एक वॉकिंग और स्टार्ट करेंगे यार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मैं जल्दी नहीं उठ पाया हूँ। कल से मैं कोशिश करूंगा कि अपना 5 या 5:30 बजे तक उठ के अपना एक वॉक करके आ गए। अपना मेरा मतलब जो पॉइंट बना रखा है वो करीब आना जाना 3 किलोमीटर का अराउंड पड़ जाता है। अगर उस 3 किलोमीटर की वॉक में भी आप डेली करते रहोगे तो अच्छा रहेगा वो आपकी बॉडी के लिए। वॉक बहुत मतलब कहा जाए ना वॉकिंग जो होता है या वॉकिंग या जॉगिंग रनिंग एक वो बेस्ट एक्सरसाइज होती है पूरी बॉडी के लिए। तो आज से हमने वो सब कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दी। अभी वॉकिंग नहीं करी है बस, अब वो स्टार्ट कर देंगे, वो भी जल्दी स्टार्ट करना है। जल्दी क्या मतलब कल से ही स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ जल्दी क्या होता है, पर मज़ा आ गया यार सुबह सुबह वर्कआउट करके। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है प्लैंक में भाई। आपको जो सिंपल बेसिक एक्सरसाइज लगती है ना ये बहुत इजी है, ये तो यूं चुटकी बजा के कर लूंगा, वो यार इतनी इजी होती नहीं है वैसे, वो बड़ी टफ होती है। जैसे मैंने क्रंचेस मान लगाए ना तो लग रहा था अरे क्रंचेस तो यहीं कर लेते, पर जब करने जाओ ना तो पेट बीच में मर जाता है, तब पता चलती है कि अबे कितना तुम लोगों ने यहाँ पर ये जो भरा हुआ है ना छोले भटूरे भर भर के जो यहाँ तुमने ठूस रखे हैं वो मिलने नहीं देते, वो अपने पेट को ऐसे करके एप्स को बनने नहीं देंगे वो। नहा धो के मैं तो हो गया रेडी और देखो लंच की तैयारी कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट के टाइम पर लंच बनना है हमारा। अरे नहीं यार दरअसल क्या है लंच वहां से ड्यूटी जाओ तो फिर टाइम ज्यादा लगता है और फिर आवाज आता है खाना बनाने में, फिर लगता है जोमेटो से ऑर्डर वगैरह कर दो, तो इसलिए अभी टाइम है तो फिर बना जा रहा हूँ सब्जी। दोपहर में आएंगे रोटियां बना लेंगे बस, और वैसे आज ब्रेकफास्ट में हम खाने वाले हैं ओट तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। अभी मैंने वैसे ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, लंच पहले लग गया। मिडिल क्लास फैमिली में क्या बताऊं क्या होती है, मतलब मिडिल क्लास है ना उन्होंने अपनी कुछ स्पेशल आदतें बना रखी हैं, जैसे गोभी होगी तो गोभी में जो डंठल होता है वो जरूर काट के डालेंगे, वो नहीं छोड़ते हम। कुछ आदतें हमारी कभी सुधर नहीं सकते भाई, ये तो है। आज तो हमारा ब्रेकफास्ट ये ओट्स, इसमें देखो ओट्स हैं, दूध है, बनाना है 1 किलो डाल दिया मैंने, साथ में बादाम है, किशमिश है और पीनट बटर है, दैट्स इट। पेट पूरा भर जाएगा, मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा, हेल्दी भी है सबसे बड़ी बात। जो ओट्स नहीं खाते वो दलिया खा सकते हैं यार, ये मॉडर्न लोग चूसले हो गए कि ओट्स ज्यादा हेल्दी है,
जगह नहीं है, दलिया भी उतना ही बेनिफिशियल रहता है। तो हम लोग पता नहीं क्यों होर्स की तरफ डाइवर्ट होते जा रहे हैं, अपने देसी चीजों को भूलते जा रहे हैं। बस इस बात खत्म हो जाए और अगली बार से मैं भी दलिया लेकर आया रहूंगा। आज कितना खुला खुला लग रहा है, यहाँ से जितनी भी गिनरी थी वो सब हट चुकी है। ये देख रहे हो, ये पूरा खाली हो गया क्योंकि अब यहाँ पे बनने वाली एक बाउंड्री वॉल, आउटर बाउंड्री वॉल, वहाँ से लेके हम लोगों के वहाँ एंड तक, क्वार्टर्स तक, सबके आगे करके आगे एक बाउंड्री वॉल बन रही है, जिसकी वजह से जितनी भी यहाँ पे झाड़ी झंकर थे वो सब हटा दिए, इसलिए आप सभी को खुला खुला लग रहा है। आज पूरी दिन खाली हो गया, केवल दो ही लड़के। वैसे आप लगाना है मुझे बैक्स एंड बाइसेप्स, तो बस थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, आप फिर लगाते हैं अपने सेट्स जल्दी से और फिर चलते हैं शाम को। आज कहीं जाना भी है, सैटरडे है तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे यार। मुझे पता नहीं क्यों पुलअप्स नहीं होते, ऐसा लगता है हाथों पे दम ही नहीं है मेरे, या तो हो सकता है बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो मैं अपने आप को पुल ही नहीं कर पाता हूँ हाथों से। फिलहाल आ गए हम होटल सनराइज रिजॉर्ट डिनर के लिए और कुछ हमारे दोस्त भी हैं, स्लो स्लो में नहीं आ पाए, व्लॉगिंग के लिए है। अंदर चलते हैं और डिनर करते हैं। मैं टीवी चालू नहीं कर रही है, इससे करा दिया करो, इधर रिचार्ज नहीं है, वो तार टूट गया है। कैसा है तार स्टार्ट? बोलो क्या कह रहे थे? जिम जा रहे हो ये? हाँ देखो डॉक्टर साहब, जिम जा रहा हूँ, मैं अपनी हेल्थ के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? पता चला मैं हेल्थ बना बना के 100 साल जी रहा हूँ और तुम लोग हेल्थ ना बना के 50-60 में निकल रहे हो, तो मैं क्या करूँगा फिर 40 सालों में? तो मेरे को तो अफसोस होगा ना, मैंने बॉडी बना के क्या किया कि मेरे दोस्तों निकल लिए, मैं जिंदा रह के क्या कर रहा हूँ? तो इसलिए डॉक्टर साहब थोड़े से पाप करना भी ज़रूरी है, माना 6 दिन वर्कआउट कर लेता हूँ, 1 दिन खा लो पेन। 8 साल का दूर टूर है, 2 महीने जिम जाने का, 8 साल का डॉक्टर साहब 8 साल नहीं, देखो इस बार बहुत अच्छी बॉडी बनाऊंगा। तो चलिए ओ पेट पूरा फुल हो गया भाई, तो चलिए एसी के साथ हम इस ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। अच्छा ये क्या हो रहा है? अगर आपको आज का हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर आप नए हमारे चैनल पर, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। वैसे यहाँ पे कोई कॉलेज के आसपास का है तो यहाँ पे पूल भी है, आ सकते हैं, अच्छा पूल है, वैसे खाना भी अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं कि बेकार हो, अच्छा खाना था, ठीक, खाली था, कोई भीड़ कुछ भी नहीं है।